की तरफ से लिखे गए वो रिकॉर्ड आज भी महफूज है। आप अगर मुशाहिदा करना चाहें कि हमारे शायर कश्मीर महजूर साहब ने जो खुद जमाबंदी तहरीर की है वो किस खश खश तरीके से हमारे यहाँ महफूज है, और उसको भी आज हमारे पत्रकारी ने ऑफलाइन से ऑनलाइन करके डिजिटलाइज किया और वो इस वक्त नेट पर दस्तियाब। इस बारे में तीन अहम नुकते हैं जो आपकी अदालत में अवाम की अदालत में मैं रखना चाहूंगा। एक वेलकम स्टेप है ऑल जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन डिजिटलाइजेशन के अमल को एक बार फिर इस्तकबाल करती है, तहे दिल से हुकूमत को इसके लिए शुक्रिया करती है कि एक अच्छा कदम उठाया गया है जिससे बुनियादी कारकुन इस बोझ से आजाद होंगे। जो बस्ता उनके कंधों पर लदा हुआ था टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी होगी, राहत होगी, हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं। मगर कुछ गुजारिशात इस सिलसिले में जो हम रखना चाहते हैं पटवारी एसोसिएशन की तरफ से, जो ही हमने देखा कि डिजिटाइजेशन का अमल एक्चुअली 4 साल पहले शुरू हुआ। 4 साल पहले यह ठेका एक मल्टीनेशनल कंपनी रामटेक को दिया गया था। पायलट बुनियाद पर उन्होंने 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट, मॉडल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और जम्मू के हाथ में ली, मगर बदकिस्मती से 4 साल में वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल नहीं कर सके। हुकूमत को जब प्रेशर आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन लैंड कार्ड्स प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत जब इसको कूप अप नहीं कर सकी, रामटेक को किस बुनियाद पर ठेका दिया गया था और वो ये विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्यों नहीं कर सके? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उनको कोई पेनल्टी इम्पोज की गई? इस बारे में हुकूमत से हमने जब वजाहत तलब की तो वहां खामोशी देखने को मिली। जब हम अपने मुतालबा हुकूमत के ऐवानों तक डिविजनल कश्मीर कश्मीर, डिविजनल कश्मीर जम्मू, फाइनेंशियल कमिश्नर जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एलजी साहब को हमने ईमेल करके, उनके ओएसडी साहब को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी किया और कई फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, मगर बदकिस्मती से जबानी जमा करके बैन कोई प्रैक्टिकल चीज सामने हुई। आज जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन का ये लयम है कि डिजिटाइजेशन एक बेहतरीन स्टेप है जो अवाम के हित के लिए लिया गया है जिसमें इस महकमे की बका भी शामिल है, तो जरूरत इस बात की इसको एक प्लान तरीके से लिया। हमारे बेशतर जो पटवारी साहिबान हैं वो 90s में भर्ती हुए हैं, 2002 में भर्ती हुए हैं, 2015 में भर्ती हुए, जिनको कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, कलम से तो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनके लिए जो एलिजिबिलिटी थी उस वक्त वो था ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू माशाल्लाह, मगर उसमें कंप्यूटर शामिल है। अब कई एक लोग कंप्यूटर ट्रेन है, मगर आज जब ये काम रामटेक नाकाम होकर पटवारियों के सर सौंपा गया, इसमें पटवारी खुद सभी नहीं कर सके, कुछ ने रिसोर्सफुल लोग हायर किए, किसी ने अपने बेटे की मदद ली, भाई की मदद ली, बच्चे की मदद ली, और किसी ने हायर किए बंदे, एनी हाउ डिजिटाइजेशन का काम तकरीबन मोर देन 90% मुकम्मल। मगर अब उसमें एक तो ये दिक्कत है कि हमारा पटवारी वेल ट्रेन नहीं है, एक दिक्कत, दूसरा महकमे में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर के हवाले से मौजूद नहीं है। अब इस्तेमाल किया गया या तो पटवारी ने खुद लैपटॉप खरीदा या हुकूमत ने किसी एक और महकमे से यूज करने के लिए जुज वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया, मगर बदकिस्मती है कि ये अमला ट्रेनिंग याफ्ता नहीं था। 5 दिन की ट्रेनिंग में ये मुमकिन नहीं है एक पटवारी डिजिटाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। रेनू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जम्मू में मौजूद है, रेनू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कश्मीर में मौजूद है, मगर वहां के वो डेस्क गर्द खा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अमला मौजूद है, जरूरत है उस ट्रेनिंग दोनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल करके एक कैप्सूल कोर्स की सूरत में अमले को ट्रेन किया जाए, इनको ट्रेनिंग इक्विपमेंट के साथ साथ काम करने के लिए इक्विपमेंट दिया जाए ताकि खुश असब से काम आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो
खामी रही वो था सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेटेड नहीं है, उसमें कई एक तरह की गलतियां सामने आई हैं जो हमारे कारकुनों ने हुकूमत की नोट में लाई है। कुछ एक का सुधार हुआ है और दूसरे बहुत सारे मामलों की सुधार की जरूरत है, खासकर ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप ये जानकर ये आपको हैरत होगी कि वहां ट्रांसलेशन में इस हद तक गलतियां हो रही हैं कि आदमी नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कलमकार पटवारी लिखता है प्रीतम का प्रीतम, मगर जब लैंग्वेज का इसका ट्रांसफर होता है ये प्रीतम नहीं आता है, प्री आइटम कुछ ऐसा आता है, प्री आइटम कुछ ऐसा आता है। या इसी तरह से गुलाम मोहम्मद नाम है, पूरा तरह से नहीं आता है ट्रांसलेशन में ये चीजें। तो इस पर हुकूमत को एक सॉफ्टवेयर कंपनी लगाने की जरूरत है, इसको आउटसोर्स करने के लिए प्रोफेशनल बंदों को लेने की जरूरत है, ताकि ये रिकॉर्ड कहीं इसमें खुदा न खास्ता गलती क्रिएट न कर जाए। अब मीडिया के लिहाज की तरफ से सोशल मीडिया की तरफ से बहुत सारी गलतियों का निशानदेही की गई जो हमारी नोट्स में भी आया है। तो जरूरत है इस अमर की कि कलमकार कौम है, इसको ट्रेनिंग दी जाए, टाइम दिया जाए या इसको आउटसोर्स किया जाए। इस बारे में हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो हुकूमत को इसके लिए दबाव डालें कि हुकूमत हर एक काम उजरत में करना चाहती है, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के। मेरे पटवारी ने काम किया है उसके लिए वो शाबाशी का मुस्तहिक है, आई सल्यूट हिम फॉर दैट। विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट इक्विपमेंट उन्होंने किया, मगर अब गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन ऑफ कैडिस्ट्रल मेप्स, कैडिस्ट्रल मेप्स आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, एक मसावी होती है, मसावी एक रटे टाइप का नक्शा होता है जो बुंदबक्स के वक्त बनता है, बुंदबक्स के वक्त महफिज खाने में मुरतब होकर जो मसावियां थी उसमें से कई एक नाकारा हुई थी ड्यू टू फ्लड्स एंड अदर रीजंस। किसी को दीमक चाड़ गया था, कहीं चूहा लगा, कहीं किसी वजह से मोसैलाब की वजह से। अब उनको कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन करो, जब चीज ही नहीं है तो रिकंस्ट्रक्शन कहां से होगा। तो अलमिया है हुकूमत के अरबा इकदार पर बैठे हुए अफसर ये बात समझने से कासिर है कि मसावी बंदोबस्त थे। इस सबका बेहतरीन हल था कि एक फुल फ्लेज्ड डिजिटल सेटलमेंट हो और जो 100 साल पहले रिकॉर्ड है उसको बुनियाद बनाकर हम नया रिकॉर्ड न बनाएं, बल्कि एज ऑन स्पॉट डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे जम्मू कश्मीर में एक फुल फ्लेज्ड सेटलमेंट हो, ताकि हुकूमत की तरफ से ऐसा कदम लिया जाए कि अवाम को शिकायत का इजाला हो और अवाम शिकायत न करे। इस बारे में हमें आपका भी ताउन क्योंकि आप एक हमारी तरफ से एक थर्ड आई बनकर, हमारी आवाज बनकर हुकूमत तक की आवाज पहुंचाएंगे, अवाम तक की आवाज पहुंचाएंगे। इसके साथ में मैं अर्ज करना चाहूंगा आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की तहरीक रही है कि हमने अपने मुतालबात जायज तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से मीटिंग के जरिए से, मेमोरेंडम के जरिए से, ईमेल के जरिए से, आपके जरिए से, जलसों के जरिए से अरबाब इकदार तक पहुंचाई है। आपको याद होगा इन राइटिंग हमारे साथ मादा हुआ, आप में से कई एक उसके वाकिफ है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद है। अभी हाल ही में हमने हर एक को मेमोरेंडम दिया है, ईमेल किया हुआ है, करेंगे करेंगे करेंगे, टाल मटोल के बावजूद हमारी धीरी ना मांगे पूरी नहीं कर रहे। हम हुकूमत को एक बार जगाना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस डिजिटाइजेशन को लेकर और पटवार एसोसिएशन की डिमांड्स को लेकर एक मजबूत फैसला लिया जाए और जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए, ताकि कहीं गलती की गुंजाइश न रहे और हमारे मामलात भी हल हों। थैंक यू। अब मेरा सवाल है आपसे।